अपराध पर बोलने का नैतिक हक है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े पौष इलाके में हत्या हो। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगता है कि राजनीति के चंडूखाना में घूमते हैं। अपराध के सवाल पर बोलने का कोई नैतिक हक जदयू के नेताओं को नहीं रह गया। चुनावी सभा भी करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे, और अगर सड़कों पर भी चलेंगे तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का सड़क। सारा पाप का श्रेय जदयू के शीर्ष नेतृत्व को है। हवा हवाई है, हेलीकॉप्टर से घूमते रहिए और हम जनता से सीधा संवाद करेंगे। 2005 में सत्ता संभाली, सबसे पहले पाप को ढकने की कोशिश की गई और अपराध पर पर्दा डालने वाले लोग आज अपराध पर सवाल पूछते हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, आप लगता है कि राजनीति के चंडूखाना में घूमते हैं। आपको यह भी जानकारी नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 13 यात्राएं अपने कार्यकाल में पूरा किया और चुनावी यात्रा पर जब निकले हैं बस से तो जनता से सीधा संवाद करने का नैतिक बल किसी नेता में होता है वही जनसंपर्क यात्रा में निकलते हैं। चुनावी सभा भी करेंगे, जनसंपर्क भी करेंगे, और अगर सड़कों पर भी चलेंगे तो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल का सड़क है। अगर तालाब के बगल में जाएंगे तो वह जल जीवन हरियाली का हमारे उपलब्धि है। अगर कुआं का पुनरुद्धार हुआ है वो नीतीश कुमार जी के शासनकाल की उपलब्धि है। घर घर बिजली और सड़क के किनारे जो बिजली के खंभे लगे हुए हैं तो वह भी नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की उपलब्धि है। इसलिए आप हवा हवाई हैं, हेलीकॉप्टर से घूमते रहिए और हम जनता से सीधा संवाद करेंगे तो परिणाम तो हमारे पक्ष में आएगा और आप हवा में ही रह जाएंगे। यह नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता का एहसास 4 जून को होगा। अपराध के सवाल पर बोलने का कोई नैतिक हक जदयू के नेताओं को नहीं रह गया है। सारा पाप का श्रेय जदयू के शीर्ष नेतृत्व को है जो बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का। किसने किया था आयोग को भंग, जो आरोपियों को अपराधियों को शिनाख्त के लिए गठित की गई थी। 2005 में सत्ता संभाली, सबसे पहले पाप को ढकने की कोशिश की गई। आज सवाल पूछते हो, कौन लोग थे, क्या सच करके बोलते थे? सीएम हाउस तक चढ़ाई कर दिया था ना आपके राज में, डीजीपी तक के गर्दन पकड़े गए थे ना, उन्हीं की पूजा करने वाले लोग हैं ना, वही वंशज है ना, उन्हीं को महिमामंडित करने वाले लोग हैं ना। संस्थागत अपराध को लगातार हवा देने वाले और अपराध पर पर्दा डालने वाले लोग आज अपराध पर सवाल पूछते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट समझ में नहीं आती, 90 और 2005, और 2005 में सरकार जाने के बाद 2020 तक कारखानों को जरा एक बार समझ लीजिए, बिहार बंटवारे के बाद, बिहार बंटवारे के पहले का दूध और पानी का पानी होगा। अपराध पर बोलने का नैतिक हक है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े पौष इलाके में हत्या होती है, वो बात करते हैं अपराध पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो,
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।